हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी नुमान नज़ीर। मैं आज आपको आईज़ के मेन पार्ट्स के बारे में बताऊंगा जिन पर आप मेकअप की एप्लीकेशन करते हो। ये जो आईज़ है ना, पहले मैंने अपनी आईज़ पे बनानी थी ये वीडियो, लेकिन वो एडिटिंग करनी पड़नी थी। मैंने चार्ट पे बना दी के साथ नाम भी मैंशन कर दिए हैं ताकि आपको समझ लग जाए, आपने सीखना है तो आप सीख भी सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, ये जो ब्रो बोन है ना, ये एरिया होता है जिसको हम हाईलाइट करते हैं, इसको बोलते हैं ब्रो बोन एरिया। उसके बाद आ जाता है लोअर वाटर लैश लाइन। ये जो नीचे वाली लाइन होती है ना, अंदर वाली, जिस पर हम काजल की एप्लीकेशन करते हैं, उसको बोलते हैं लोअर वाटर लैश लाइन। आगे आ गया आपका आईलिड। ये जो सारा एरिया होता है ना आईज़ का, इसको बोलते हैं आईलिड एरिया। ये सारा आईलिड होता है, और अगर आईज़ खोले ना तो एक लाइन सी पड़ती है, उसको बोलते हैं क्रीज लाइन। जिस पे हम ट्रांजिशन शेड की एप्लीकेशन करते हैं ना, उसको बोलते हैं क्रीज लाइन। ये जो लाइन है ना, इसको मैं इन्हेंस कर देता हूँ थोड़ा सा। ये जो लाइन है, इसको आप बोलोगे क्रीज लाइन। ये होता है आईब्रो। आईब्रो का तो आपको पता ही है, ये आईब्रो होता है हमारा आईब्रो। ये जो है ना अपर लैश लाइन है, ये जो ऊपर वाली है ना, जिस पे हम लाइनर की एप्लीकेशन करते हैं, उसको बोलेंगे अपर लैश लाइन। और ये जो है ना इनर कॉर्नर होता है, ये कॉर्नर जो है ना, ईयर डक्ट बोलते हैं इसको, इसको आप। ये जो है ना, ये इनर कॉर्नर होता है, टीयर डक्ट। टीयर डक्ट को आप इनर कॉर्नर भी बोल सकते हो। जिस एरिया को आप हाईलाइट करते हो ना, इन्हेंस करते हो, उसको आप टीयर डक्ट बोलोगे। और जो नीचे वाली लाइन है ना, ये होती है लोअर लैश लाइन। नीचे वाली जो है ना अपर वाटर लैश लाइन, ऊपर वाली जो अंदर वाली लाइन होती है ना, उसको बोलते हैं अपर वाटर लैश लाइन। और ये जो है ना, ये हमारा है आउटर कॉर्नर, जिसको हम स्मोकी बनाते हैं या ब्रोंजर, कोई भी शेड जिस पे यूज़ करते हैं ना, इसको आउटर व्यू भी बोल सकते हो आप। आउटर व्यू, ये आउटर कॉर्नर होता है हमारा। ये थी गाइस आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो आपने लाजमी सब्सक्राइब और इसको शेयर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।